Hello everyone, welcome to my channel on Easy Guitar Lessons. And today we are going to see a new song that is Aoge Tum Kabhi from the local trend band. So, sabse pehle subscribe kar de is channel ko and please press the bell icon so that notification aapke paas aaye. Aur please agar aapko ye video pasand aaya to please like kar do, share kar do and comment down below. Aur aapko koi bhi problem ho, कुछ भी पूछना है तो प्लीज कमेंट डाउन एंड लेट्स मूव टूवर्ड द लेसन. आई हैव एरेंज्ड दिस गिटार इन क्लीन सेटअप. मैंने डायरेक्टली इस गिटार में केबल प्लग किया है और कनेक्ट किया है अपने एम्पलीफायर के साथ. आई हैव नॉट यूज्ड एनी इफेक्ट्स. इस गाने के एंड में मैं इस सॉन्ग का गिटार प्ले थ्रू डाल दूंगा, कंप्लीट गिटार प्ले थ्रू. तो सबसे पहले आई हैव दिस सॉन्ग एंड एट द एंड I will play the old song. So let us move toward the intro of the song. So sabse pehle third string 9th fret aapko vibrato dena hai, aise third string 9th fret vibrato, back slide to 5th fret aise. और फिफ्थ फ्रेट में आने के बाद सिक्स टाइम आपको प्ले करना है. और सिक्स टाइम प्ले करने के बाद फिफ्थ से आपको डायरेक्टली स्लाइड करना है टेन में और दो बार प्ले करना है. और इसके बाद नाइन्थ फ्रेट में दो बार एंड अगेन 10 फीट में तीन बार. लेट्स सी फ्रॉम द बिगिनिंग क्या क्या होता है. तो हमने यहां तक देखा है और फिर से आपको यही करना है. नाइन्थ में वाइब्रेटो, बैक स्लाइड टू फिफ्थ, छह बार प्ले करना है और फिर से आपको छह बार प्ले करके नाउ दिस टाइम स्लाइड टू फिफ्थ टू सेवेंथ. पहले आपने क्या किया था, फिफ्थ से टेन में स्लाइड किया था, लेकिन इस बार फिफ्थ से सेवेंथ तक स्लाइड करना है. पहले आपने ऐसे किया था, लेकिन इस बार यहाँ से फिफ्थ से सेवन में स्लाइड करना है और सेवन में एक बार प्ले करना है. एक बार प्ले करके सेकंड स्ट्रिंग के एट में और थर्ड के सेवेंथ में, फिर से सेकंड के एट और थर्ड के सेवेंथ में, ऐसा होता है. शुरू से देखते हैं. और यहां से आपको एट फ्रेट के सेकंड स्ट्रिंग से आपको स्लाइड करना है थर्टीन में. आपको प्ले करना है एक बार और थर्ड स्ट्रिंग के टेन फ्रेट में दो बार स्लाइड. पहले एक बार प्ले करना है और थर्ड स्ट्रिंग के टेन में दो बार एंड अगेन नाइन्थ फ्रेट में दो बार, टेन फ्रेट में तीन बार. तो कंप्लीट ऐसा होता है. तो शुरू से देखते हैं. यहां तक देखा हमने और फिर से आपको यही प्ले करना है.
सेकेंड स्ट्रिंग के 13 फ्रेट, एक बार 10 फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग में, दो बार एंड 9th में दो बार, और फिर से 10 में 3 बार। फिर से एक बार, तो आपको यहां तक प्ले करना है। एक बार फिर से देखिए, इतना होने के बाद आपको स्लाइड करना है 10 से 12 में थर्ड स्ट्रिंग के। स्लाइड के बाद एक बार प्ले करना है 12 में से, और वाइब्रेटो देना है, सस्टेन करो। और इतना होने के बाद आपको थर्ड स्ट्रिंग के 7 से 5 में पुल करना है ऐसे, और फिर से प्ले करना है 7th में, पहले पुल फिर प्ले करना है, और यहाँ से स्लाइड करना है आपको 9th में ऐसे, पुल स्लाइड, और फिर से आपको पुल करना है सेम 7th से 5th में, और फिर आपको आना है बैक फोर्थ, और फिर से 5th में एक बार। सो इट गोज लाइक दिस। और आप एक्चुअल टाइमिंग करेंगे तो ऐसा होगा। सेकेंड टाइम ये पुल के वजह आप बैक स्लाइड भी कर सकते हो। Whichever you like. So that was the intro. शुरू से देखते हैं intro को। So that was the intro. और इसके बाद द सॉन्ग विल स्टार्ट द वोकल्स पार्ट। तो वोकल पार्ट का कॉर्ड्स देखते हैं। सबसे पहले एफ कॉर्ड, एफ जो नॉर्मल एफ होता है, एफ ए माइनर, जी, सी एट नाइन और सी, और डी माइनर, डी माइनर भी यूज होता है। सो वोकल पार्ट में ऐसा होता है, कहता रहा वो जाने दे मुझको, बेदर्दी है तेरी कमी है, एंड द पार्ट कम्स आओगे तुम कभी, आओगे तुम कभी मेरी जान के रही, गायका सुना गायकी जमीन। यहाँ पे क्या होता है, एफ ए माइनर, डी माइनर, जी, सी, ये होता है आपका बेसिक गिटार नंबर 1 जो रिदम गिटार होता है, उसमें ये कॉर्ड पे होता है। नाउ लेट्स सी टुवर्ड्स द लीड गिटार। लीड गिटार में क्या प्ले करना है आपको, इंट्रो के खत्म होने के बाद ये इंट्रो का एंडिंग था, और आपको एक बार प्ले करना है 4th में। थर्ड स्ट्रिंग के 4th में एक बार प्ले करना है, और इसके बाद आपको आना है यहाँ पर। दिस इज बेसिकली द आरपीजीओ वर्जन ऑफ सी कॉर्ड जो यहाँ पर
नॉर्मल डी कॉर्ड होता है, उसी के शेप में यहाँ पर सी कॉर्ड। थर्ड स्ट्रिंग टिल फर्स्ट स्ट्रिंग 12 13 12 ऐसे 12 13 12 आपको ये पकड़ना है एंड यू प्ले थर्ड स्ट्रिंग सेकेंड स्ट्रिंग थर्ड स्ट्रिंग फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट। ये आपको प्ले करना है दो बार। एक्चुअली डिले इफेक्ट यूज किया है, सो आई हैव नॉट यूज डिले इन दिस सॉन्ग, सो आई एम प्लॉकिंग होल स्ट्रिंग। लेकिन डिले में आपको क्या होगा, वो री होता जाएगा डिले में, वो फिर से प्ले होगा उसका। जब आप डिले में प्ले करोगे तो उसका पिकिंग पैटर्न अलग होगा, लेकिन जब आप नॉर्मली पिक करोगे तो यू फॉलो दिस पैटर्न। ये दो बार, और आपको बेस चेंज करना है 12 से 10 में, ऐसे 10 थर्ड टिल फर्स्ट स्ट्रिंग 10 13 12 ऐसे। यू जस्ट सी, एक बार देखिए क्या क्या प्लग कर रहा हूं मैं। और आपको सीधा ये फिंगर को शिफ्ट करना है 9 में। और इतना होने के बाद फिर से वही सी में। इंट्रो की इन से देखते हैं। और इतना होने के बाद आपको आना है, जब रिदम गिटार में ये एफ कॉर्ड आओगे तुम कभी वो पार्ट है, तो इसमें लीड गिटार में आपको प्ले करना है पिकअप, आपको चेंज करना है नेक्स्ट से ब्रिज में, ब्रिज पिकअप एफ कॉर्ड पावर में एफ सी डी माइनर जी सी पावर। तो देखते हैं फिंगर पोजीशन F5 एफ आर कॉर्ड में, फिफ्थ टिल फोर्थ में, एट टेन टेन और सारी स्ट्रिंग म्यूट, फिफ्थ स्ट्रिंग एट फोर्थ स्ट्रिंग टेन थर्ड स्ट्रिंग टेन सिक्स स्ट्रिंग म्यूट सेकेंड और फर्स्ट म्यूट। सिर्फ ये तीन स्ट्रिंग प्ले होगा, फिफ्थ फोर्थ और थर्ड, ऐसे एफ, और यहाँ से आपको चेंज करना है ये सी, जो सी बार कॉर्ड होता है उसमें से सिर्फ तीन नोट, दिस दिस एंड दिस, ये तीन नोट। इसका पोजीशन फोर्थ स्ट्रिंग 10, थर्ड स्ट्रिंग 9, सेकेंड स्ट्रिंग 7, सॉरी 8, ऐसे पहले एफ, दिस इज सी, डी माइनर बार पोजीशन में, बार कॉर्ड डी माइनर, और फिर जो आपने पहले एफ किया था उसको 2 फ्रेट
आगे कीजिए, ये F हुआ, F sharp, this is G, G5 और G power, G, and your C, C power, C power का position, 5th string, 3rd, 4th string, 5th, 3rd string, 5th fret. सो लीड गिटार में जब आओगे तुम कभी वो वोकल पार्ट होता है तो आपको ये कॉर्ड प्ले करना है लीड गिटार में. इतना प्ले करना है. सो आफ्टर दिस एक छोटा सा फिलअप है ऐसे. सो लेट्स सी, तो आपको क्या करना है, फोर्थ स्ट्रिंग के फिफ्थ से सेवन में हैमर, हैमर और फिर थर्ड स्ट्रिंग के फिफ्थ में एक बार प्ले करना है और एक बार म्यूट प्ले करना है ऐसे. और एक बार ऐसे म्यूट. ऐसे. सॉरी ऐसे. और सेकंड स्ट्रिंग के एट में और फिर वही प्ले करना है, थर्ड स्ट्रिंग फिफ्थ. दो बार और फिर ये प्ले करना है, फोर्थ स्ट्रिंग फिफ्थ, थर्ड स्ट्रिंग फिफ्थ, सेकंड स्ट्रिंग एट, ऐसे. और आपको स्लाइड करना है थर्ड स्ट्रिंग के सेवन से नाइन में. स्लाइड और फिर से बैक वहीं पे. और इस बार आपको यहां से बैक आना है यहां. तो इतना होने के बाद फिर से वही आओगे तुम कभी वाला पार्ट जिसमें आप यूज करेंगे वही कॉर्ड, एफ सी डी माइनर जी सी फाइव. सो इतना होने के बाद अगेन देयर कम्स अ स्मॉल गिटार सोलो लाइक अ पीस. सो लेट्स सी.
ओरिजिनल सॉन्ग में कुछ और किया गया है, और मोस्ट ऑफ द टाइम पारस ठाकुर जो लीड गिटारिस्ट है वो ऐसे ही कुछ प्ले करते हैं इन बेसिकली इन द कॉन्सर्ट्स। सो आप ऐसे प्ले कीजिए, 15 फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग में 3 बार, 13 फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग, 2nd स्ट्रिंग 5th में बेंड रिलीज, और फिर से वही 13 फ्रेट में प्ले करना है। और फिर 14 फ्रेट 3rd स्ट्रिंग, 13 फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग, और फिर से 14 फ्रेट 3rd स्ट्रिंग, और फिर से वही, और इस बार आपको स्लोली बेंड करना है 15 फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग में। शुरू से देखते हैं। यू कैन इम्प्रोवाइज ऑन योर ओन, आपको जो अच्छा लगे वही प्ले कीजिए। सो आफ्टर दिस देयर कम्स अ पार्ट कॉल्ड सोच लो मुझे, समथिंग लाइक दैट, सोच लो मुझे। और इसमें आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, 10 फ्रेट 3rd स्ट्रिंग, 13 2nd स्ट्रिंग, 12 1st स्ट्रिंग यहाँ पे प्ले करना है। देन आपको ये फिंगर करना है बैक यहाँ पर, फिर से वही, एंड देन सी। सो आफ्टर दैट सोच लो मुझे, थाम लो मुझे, वो पार्ट के बाद फिर से आओगे तुम कभी, वो पार्ट आता है उसमें भी वही कॉर्ड है, एफ सी डी माइनर जी सी 5 वही कॉर्ड है। और आओगे तुम कभी के बाद यू लिसन टू द सॉन्ग, देर इज अ पार्ट लाइक दिस बिफोर द सोलो, वो सोलो आने के बाद ऐसा कुछ प्ले है होता है। सो लेट्स सी दिस पार्ट, 3rd स्ट्रिंग 12 एक बार प्ले करना है, देन 4th स्ट्रिंग 9 9 से 10 में हैमर, आइदर यू डू हैमर और एक एक बार प्ले करो। इसे प्ले भी कर सकते हो या फिर हैमर भी कर सकते हो, विच एवर यू लाइक, आई प्रिफर हैमर। तो ये आपको प्ले करना है 4 बार। चार बार
और इसके बाद फिर से एक बार हैमर करना है आपको 9 से 10 में, और फिर पुल करना है हैमर पुलिंग, और फिर फिफ्थ स्ट्रिंग के 10 में 4 बार ये प्ले करना है, और फिर हैमर पुलिंग। आपको फोर्थ स्ट्रिंग के 10 से स्लाइड करना है 10 से 12 में, स्लाइड करने के बाद 2 बार, और फिर 12 से 14 में इसे स्लाइड करना है, फिर से 14 में 2 बार, से 12 में बैक साइड, और फिर 12 में 2 बार प्ले करना है, और फिर आपको बैक आना है यहीं 10 में। तो लेट्स सी फ्रॉम फर्स्ट, एक बार यहां पर बैक साइड होके 10 में आने के बाद एक बार प्ले करना है ऐसे। Let's see from the beginning. यही बार आपको फिर से प्ले करना है, द होल थिंग यू शुड रिपीट। लेकिन जब आप सेकेंड टाइम आप प्ले करोगे तब ये स्लाइड नहीं होगा, आपको ये ऐसे आपको सिक्स्थ और फिफ्थ म्यूट, सेकंड और फर्स्ट भी म्यूट, सिर्फ फोर्थ स्ट्रिंग 10, थर्ड स्ट्रिंग 12 में ऐसे ऐसे प्ले करना है। तो इतना होने के बाद देयर कम्स सोलो, लेट्स सी द सोलो। मैं एक बार प्ले करूंगा और आई विल ब्रेक इट डाउन। सॉरी, तो सोलो में क्या होता है, फर्स्ट सेकंड स्ट्रिंग 13 फेट, आपको स्लाइड करके आना है 13 में, सेकंड स्ट्रिंग के 13 में स्लाइड, और फिर एक बार प्ले करना है 13 में। और 3 बार 12 में, सॉरी 2 बार 12 में, और फिर 13 में एक बार। और 13 में एक बार प्ले करने के बाद 15 से 17 तक स्लाइड, और फिर एक बार प्ले करना है 15 में 2 बार, और इतना होने के बाद हैमर पुलिंग, सेकंड स्ट्रिंग 12 13 हैमर पुलिंग, और फिर थर्ड स्ट्रिंग के 14 में ऐसे हाफ बेंड, और रिलीज 12 फेट में 2 बार। और फिर फोर्थ स्ट्रिंग 14, थर्ड स्ट्रिंग 12, 12 के बाद 14, और फिर सेकंड स्ट्रिंग के 13, और फर्स्ट स्ट्रिंग के 15 में होल बेंड, और रिलीज के बाद 2 बार।
उसके बाद let's see this part. थर्ड स्ट्रिंग के 10 से 9 में दो बार पुल और फिर 10 12 प्ले करना है और फिर 9 में और फिर से दो बार पुल और 9 में वाइब्राटो बैक स्लाइड करके आपको आना है फिफ्थ में. फिर से यहां तक प्ले करना है और इस बार 9 में एक बार और फिर 10 से 9 में एक बार पुल और फिर फोर्थ स्ट्रिंग 10 12 एक एक बार यहां तक. फिर से यही बार आपको प्ले करना है द सेम थिंग जैसे मैंने प्ले किया और इस बार दो बार पुल एक बार यहां पर प्ले करना है 10 में और फिर 12 में फिर से आपको बैक आना है 9 में और फिर 10 में पहले और फिर 9 में शुरू से देखते हैं. सॉरी फॉर द मिस्टेक. और फिर आपको आना है यहाँ तक. इसके बाद आपको आना है 12th फ्रेट 4th स्ट्रिंग और फिर 9th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग 10, 9, फिर से 4th string के 12 में. Please listen to the song और ये play कीजिए. You will know the exact timing. थोड़ा सा मैं confused हो गया यहाँ पर वो timing को लेके. जब आप song को सुनेंगे अच्छी तरीके से then you will know the exact timing. होने के बाद लेट्स सी दिस सेकंड स्ट्रिंग 13 12 थर्ड स्ट्रिंग 12 यहाँ होने के बाद आपको बैक साइड टिल 10 दो बार प्ले करना है 10 में आके अगेन. इस बार 10 के जगह में आपका आना है 9 में. शुरू में आप यहाँ पे आए थे लेकिन इस बार आपका आना है 10 में. फिर से आपको प्ले करना है 13 12 और फिर आपको करना है हैमर 12 से 13 में और फिर फर्स्ट स्ट्रिंग 15 फ्रेट में दो बार ऐसे प्ले करना है फिर से हैमर और फिर यहाँ पे दो बार. और फिर से आपको पुल करना है 13 से 12 में सेकेंड स्ट्रिंग पुल के बाद 13
15, और इसके बाद आपको बेंड करना है, बेंड बेंड व्हेन यू आर बेंडिंग प्ले ऑन 15 फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, और फिर आपको प्ले करके रिलीज करना है सेकंड स्ट्रिंग में ऐसे, और फिर आपका आना है 13 में ऐसे एक बार, यहाँ आने के बाद फिर से आपको प्ले करना है 15 में एक बार सेकंड स्ट्रिंग ऐसे, इतना होने के बाद फिर से आपको प्ले करना है 13 सेम थिंग, लेकिन इस बार आपको यहाँ पे बेंड नहीं करना है, आपको आपको यहाँ से जब आप पुल आपको यहाँ से स्लाइड करना है, दिस टाइम यू स्लाइड, प्लीज रिफर टू द सॉन्ग देन यू विल नो, 13 से 15 में स्लाइड, स्लाइड करने के बाद फिर से प्ले करना है दो बार, और फिर से स्लाइड करना है 15 से यार 15, 17, 19, 20, 20th फ्रेट में, यहाँ पर स्लाइड करना है 20 फ्रेट में, और फिर 20 में प्ले करने के बाद 17, 20, सेकेंड स्ट्रिंग के फर्स्ट स्ट्रिंग के 17, 20, और 20 में आने के बाद ऐसे बेंड करना है 20 में ऐसे, जब आप बेंड करेंगे तो ऐसे प्ले करना है और फिर से रिलीज करना है रिलीज, जब रिलीज होने के बाद 20 से 17 में पुल, और फिर 20 सेकेंड स्ट्रिंग के दो बार प्ले करना है सेकंड स्ट्रिंग के 20 में, और फिर से सेकंड स्ट्रिंग के 20, 17, फर्स्ट स्ट्रिंग के 20, बेंड आपको ऐसे चार बार बेंड करना है, और रिलीज 20 में ऐसे, सोल सोलो देखते हैं, और इतना होने के बाद आपको यही प्ले करना है,
were the main things. You please play the song, or आप ये refer करो, you'll be able to play the solo. उतना difficult नहीं है, आसान है. You just refer to the song. So those were the main parts. So yeah, that was the complete song. अगर आपको कहीं पे भी problem होगा, तो you please comment below, and please feel free to ask me. So that was आओगे तुम कभी. अगर आपको ये video अच्छा लगा, तो please give the like button, and please subscribe, comment, share, and please press the bell icon. Please support me, guys, and please comment the song that you want to learn.